ओके मु स्लाइड शेयर करू छी, समस्त मन दे के सुनबो। देखा दउ छी समस्त को। हां सर। ओके सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इम्यूनोलॉजी एंड इन द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इम्यूनोलॉजी देयर इज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स एंड एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट। सो आज हम डिस्कस करबा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एंड एंटीबॉडी कौन। लास्ट क्लास हम डिस्कस करथिले एंटीजन कौन, के कहि परियो व्हाट इज एंटीजन। एंटीजन का कह जाए कह ओडिया कह फॉरेन पाथोजन रो सरफेस रे किसी प्रोटीन थाए जे कि हमर इम्यूनिटी को डेवलप करी थाए, से प्रोटीन को हम एंटीजन कहू। के ही पढ़ी क्या सुनो दिले। ओके सो लास्ट क्लास हम डिस्कस कर थिले एंटीजन कौन। फॉरेन पाथोजन हम बॉडी भीतर को जते बेले एंटर करे से फॉरेन पाथोजन रो सरफेस एरिया रे किसी प्रोटीन अटैच हे कि थांती जहां को हम एंटीजन कहू। आ सही प्रोटीन जोगु ही आम बॉडी रे से डिजीज अगेंस्ट इम्यून रिस्पांस जनरेट हुए। ओके तो जो एंटीजन आम बॉडी भीतर को एंटर कला बा फॉरेन पाथोजन आम बॉडी को एंटर कला तापर गोटे प्रोसेस हुए कहीं ना आमर जो माइक्रोफेजेस अच्छी बा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स अच्छी से कौन कर प्रोसेसिंग कर एंटीजन को। प्रोसेसिंग कहीं दरकार पड़ा बिकज जिते सब जो फागोसाइटिक सेल गुड़ाक अच्छा आम पढ़ी लास्ट क्लास सो से फागोसाइटिक सेल माने डायरेक्ट जेहेतु एंटीजन डा गोटे बिग प्रोटीन डा तो ताकु डायरेक्ट न्यूट्रलाइज करी परिबे नाही। ओके सो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल रो काम कौन, एंटीजन को एंगल्फ करिबो बा फॉरेन पाथोजन को एंगल्फ करिबो। एंगल्फ कला परे ताकु समस्त पढ़ीथिबो फागो लाइसोजोम थिला पढ़ीछ कि नाही रे। हां सर। फागोलाइसोसोम थिला साइटोलाइसिन एंजाइम थिला तो एगुडा कोन करिवे से फॉरेन पाथोजन को छोट छोट खंड रे परिणत कर। सो यू नो दैट प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ एमिनो एसिड्स एंड एमिनो एसिड्स आर मेड अप ऑफ व्हाट पेप्टाइड्स। ओके तो डायरेक्ट प्रोटीन को से एंगल्फ करि परिबो नाही, डायरेक्ट से टॉक्सिन सब्सटेंस प्रोटीन को न्यूट्रलाइज करि परिबो नाही। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल रो काम कोन, से एंटीजन को एंगल्फ कर दबो। एंगल्फ कला परे ताकु छोट छोट खंड रे परिणत करिवो, पेप्टाइड को कन्वर्ट कर दबो एंड पेप्टाइड को प्रेजेंट करइबो हेल्पर टी सेल पाको को नेकी। आराम से बुझि जिवो, हमें भलो से स्लाइड देखि कि डिस्कस करिबा, जस्ट मन रखो कल्या। सो व्हाट आर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स, दे प्रेजेंट एंटीजन टू द हेल्पर टी सेल। मन रखो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल रो एक्चुअली आईडिया आसला एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कौन ही थी वो मैं कहली अभी टिके आगुरु जे एंटीजन गडा को गो बड़ प्रोटीन गडा को ताको हमर जो फागोसाइटिक सेल अछंती डायरेक्ट एंगल्फ करके मारी परिबे नाही। ओके तो सेत पे कौन दरकार पड़िबो, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल रो हेल्प दरकार पड़िबो। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल रो काम कौन, एंटीजन को एंगल्फ करिबे। एंगल्फ कला परे सेठी साइटोलाइसिन एंजाइम अछि लाइसोजोम अछि तो सेमाने कौन करिबे एंटीजन को छोट छोट खंड रे परिणत कर। तो सही छोट खंड गडा को एमएचसी बोली गोटे प्रोटीन अछि हम पढिबा आगु को से मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स को आ जाय एमएचसी। से प्रोटीन कोन करिवो जो खंड खंड हेथिला पेप्टाइड ताकु अटैच हे कि सेल बाहर को बाहरि आ से कहिबो जे मु ए सेल को रिकग्नाइज करली हेल्पर टी सेल आसी कि ताकु अटैच होबो। हेल्पर टी सेल अटैच हला परे फागोसाइटिक सेल गडा को आराम से ताकु एंगल्फ करि परिबे। सो गोटे गोटे स्लाइड हम देखिबा तापर आराम से बुझि जीवो। सो देखो देखि परछ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल डायग्राम रे, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल दिस इज योर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल मे बी मैक्रोफेजेस। एक्चुअली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, मैक्रोफेजेस एंड बी लिम्फोसाइट एंड डेंड्राइटिक सेल। प्रथमे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बुझा पड़ा समस्त को सेमानकर काम होची एंटीजन को प्रेजेंट करेबे छोट छोट खंड रे परिणत करके प्रेजेंट करेंगे इम्यून सिस्टम रे माने भी इनवॉल्व रहंती।
ओके ये भी गोटे छोट सेल गुडाक सो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल थ्री टाइप्स रो मैक्रोफेज डेंड्राइटिक सेल एंड व्हाट बी लिम्फोसाइट्स सो एमानकर काम कोनो देखो स्लाइड पढ़ीबा हेल्पर टी सेल कैन आइडेंटिफाई ओनली पेप्टाइड्स बट एंटीजेंस आर लार्ज प्रोटीन्स हेंस दीज एंटीजेंस आर प्रोसेस्ड बाय स्पेशलाइज्ड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स यही कथा ही टीका आगे कहती हेल्पर टी सेल हेल्पर टी सेल भी गोटे सेल रे जी आम कौन करे इनफर्मेशन पहुंचाए गोटे सेल रु मैंने जब आम बॉडी भितर को किसी फॉरेन पैथोजन एंटर करछंती देन एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग करिवार हेल्प करे हेल्पर टी सेल सो हेल्पर टी सेल रिकॉग्निशन करिवा बहुत जरूरी एंटीबॉडी प्रोडक्शन पई तो हेल्पर टी सेल केतेबेले रिकॉग्नाइज करि परिबो नाही जेतेबेले एंटीजन टा गोटे बिग प्रोटीन हे कि थिबो सो एबे हमर काम कोनो बा हमर इम्यून सिस्टम रो काम कोनो एंटीजन को छोट छोट खंड रे परिणत करिबा एंटीजन तुम जानिछो गोटे प्रोटीन डा प्रोटीन एमिनो एसिड को नेकि तयारी एमिनो एसिड का को नेकि तयारी बहुत बडा पेप्टाइड बॉन्ड्स तयारी होई थाय तो सही पेप्टाइड फॉर्म को कन्वर्ट करिबाकू पडिबो प्रोटीन को एबे सो एंटीजन को प्रोटीन को एंटीजन प्रोटीन को पेप्टाइड रे के कन्वर्ट करे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कन्वर्ट करे ओके देखि परथुबो इठे फर्स्ट 1 पॉइंट करके लिखि छी मु देखो द मैक्रोफेज टेक्स ऑफ द एंटीजन बाय फागोसाइटोसिस मैक्रोफेज एंटीजन को केमिति एंगल्फ करिवो फागोसाइटोसिस प्रोसेस आ तुम माने भलो भाबे जानिछो फागोसाइटोसिस कोन बिकॉज़ हमें प्रीवियस क्लास रे डिस्कस करथिले व्हाट इज फागोसाइटोसिस फागोसाइटोसिस कोन रे फागोसाइटिक सेल मानकर काम कोन से मानकर सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करिवे एंटीजन बा फॉरेन पैथोजन मानको एंगल्फ करि दे स्ट्रेच करिकी मेम्ब्रेन को ओके सेही प्रोसेस को हमें फागोसाइटोसिस कहू बा यू कैन से फागोसाइटोसिस मींस engulfing of the foreign particles engulf mane totally gili daba okay to sei phagocytosis process re macrophage kon karibo antigen ko engulf karibo tapare kon hobo dekho second point the macrophage breaks down the antigen into fragments in the lysosome mane bhalo bhabe janicho macrophage ro body bhitare kon achi lysosome achi macrophage cell bhitare तो जो आम पढ़ी फागोजम कनभर्ट होता फागोलाइसोजम कनभर्ट होता समस्त मन थी तो फागोजम कनभर्ट है लाइसोजम फागोजम काटाच हेपर कौन फर्मेसन हम फागोलाइसोजम लाइसोजाइम एंजाइम राम कौन प्रोटीन को ब्रेकडाउन करवा छोट छोट खंड में परिणत करवा सो सेकेंड पॉइंट से कहे मैक्रोफेज कौन कर एंगल्फ कलापर एंटीजेन को छोट छोट फ्रागमेंट कनभर्ट कर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लाइसोजाइम ओके नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखो ए क्लास टू एम एच सी प्रोटीन ए क्लास टू एम एच सी प्रोटीन बाइंड्स एन एंटीजन फ्रैगमेंट जो एंटीजन फ्रैगमेंट छोट छोट कन्वर्ट है कौन है एम एच सी प्रोटीन समस्त मन रख एम एच सी मीन्स मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मेजर एम ए जे ओ आर मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी एच आई एस टी ओ COMPATIBILITY मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन डा एत्ते बड़ो ना रे ये गोटे छोट प्रोटीन डा रे कोठी थाए हमर 6th पेयर ऑफ क्रोमोसोम रे थाए मन रखो समस्ते हमर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आर देयर तो सब सेल रे क्रोमोसोम थाए क्रोमोसोम रो 6th नंबर पेयर रे गोटे छोट प्रोटीन थाए जहाक हमें मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स कहू सो एम एच सी टू एक्चुअली है एम एच सी टू टाइप रही पढ़ा टू एम एच सी क्लास टू एम एच सी लास्ट को देखा स्लाइड रे भल भाव तो बुझा पड़ा समस्त को बुझा पड़ा कि नेक्स्ट पॉइंट देख फोर्थ पॉइंट एम एच सी प्रोटीन अटैच है एंटीजन फ्रैगमेंट को से कौन कला येलो कलर जाक देखी पड़ चुके येलो कलर गुडा कौन गुडा को एम एच सी गुडा को ओके तो एम एच सी भितर कहा सहित अटैच है देख ये पॉइंट इरेज करके पुणी थोड़ा राउंड अप करूँ सो दिस इज योर एम एच सी अटैच टू व्हाट एंटीजन फर्स्ट एम एच सी थी सेल रे जब एंटीजन को एंगल्फ कला एंटीजन कौन हो गला छोट छोट फ्रैगमेंट रे कन्वर्ट है एंड फ्रैगमेंट रे कन्वर्ट है मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स और एम एच सी क्लास टू प्रोटीन बाइंड्स विद द एंटीजेनिक फ्रैगमेंट ओके सो एंटीजेन फ्रैगमेंट को बाइंड है कौन कर देख बाहर को पलि आसल रहा आसिकी देखिपड़ राउंड अप कर
सो येलो कलर जो एमएचसी थिला से एंटीजन को कैप्चर करिकी बाहर को आनी की प्रेजेंट करूची कहा पाखरे टीएच सेल देखि परचो टीएच सेल लिखिची मु रेड कलर टीएच सेल ता पाख को आनी की रिप्रेजेंट कला तेनु आकु को गला एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एंटीजन को प्रेजेंट करूची कहा पाखरे हेल्पर टी सेल पाखरे हेल्पर टी सेल कोन एक्चुअली हेल्पर टी सेल आम सेल भितर इनफॉरमेशन पहुंचा इम्यून सिस्टम को जदि किछि पार्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम बॉडी भीतर को एंटर करिछि ता अगेंस्ट रे इम्यून रिस्पोंस जनरेट हेबा पई बा एंटीबॉडी तयारी हेबा पई हेल्पर सेल रो काम बहुत अधिका सो हेल्पर सेल केते बेले चिन्हि पारिबो फॉरेन पार्टिकल्स को बा फॉरेन पैथोजन को जेते बेले से एंटीजन प्रोटीन डा छोट छोट खंड रे परिणत हो माने पेप्टाइड को जते बेले कन्वर्ट हे जो सो पेप्टाइड को कन्वर्ट किए कला एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल गडा को एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल केते टाइप रो मैक्रोफेजेस डेंड्राइटिक सेल एंड बी लिम्फोसाइट सो नेक्स्ट स्लाइड हम प्रोसीड करबा ए डायग्राम भल से बुझी थिबो लास्ट गोटे विजुअल भी देखिबो आ जते बेले मु स्लाइड चेंज करू छी जदी देखा जीवो नि मत कहिबो संगे संगे ओके सो द वेरियस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स आर मोटे के अगर को क्लियर दरा थ्री टाइप्स ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैव बीन रिपोर्टेड दीज आर मैक्रोफेजेस बी लिम्फोसाइट्स एंड डेंड्राइटिक सेल्स स्लाइड देखा जाउ छी पले चेंज करले मु अबे सब गुडाक छोट छोट सेल गुडाक बट डिफरेंट शेप ए मानकर ओके आ एठी गोटे मैक्रोफेज रे मु मेंशन करी छी देखो सो सोल मन रखो मैक्रोफेज मोनोसाइट तयार हे था पढिस समस्त डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स एठी मोनोसाइट थिला मन पकाओ मोनोसाइट रो तयार हि छी मैक्रोफेजेस सो जत्ते बेला हम बॉडी रो ब्लड वेसल भितरे रहिबो त को हम मोनोसाइट कहू ब्लड वेसल रो बाहर को जाई कि सपोज गोटे पार्ट रे इन्फेक्शन होई छी सो सी कौन कर ब्लड वेसल रु बाहर को जीवा को पड़ो एंटीजन को एंगल्फ करने तो जो बाहर को चली जाए आम मैक्रोफेज कहू जो ब्लड वेसल भितर थाए से आम मोनोसाइट्स कहू मन रख सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ व्हाट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स आर प्रेजेंट मैक्रोफेजेस बी लिम्फोसाइट्स एंड डेंड्राइटिक सेल्स एम कम कौन एंटीजन को एंगल्फ करवा एंगल्फ कला छोट छोट फ्रैगमेंट को कन्वर्ट करिबा बा पेप्टाइड को कन्वर्ट करिबा पेप्टाइड को कन्वर्ट कला परे मैक्रोफेज रो बॉडी रे बहुत गुडा प्रोटीन थाए व्हिच प्रोटीन मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन थाए सेमानकर काम कोन से छोटो फ्रैगमेंट सहित अटैच हेबे अटैच हला परे मैक्रोफेज रो सरफेस को बाहर के आसीबो से छोटो फ्रैगमेंट को नहीं कि कहा पाख को हेल्पर टी सेल पाख को हेल्पर टी सेल को से इन्फॉर्मेशन देबो दिस इज द एंटीजन So you provide the information to the immune system to produce more and more antibodies against that antigen. Okay. Next time, next slide, please. Bye. I'm going to discuss for today. Major histocompatibility complex. Most slide change only a bit. So major histocompatibility complex or human leukocyte antigen. We should have a study. Okay. I'm going to discuss for today. MHC. Kano. MHC. Code. Thai. Actually, MHC two type of filament. MHC class one. MHC class 2 देखो MHC class 1 and MHC class 2 तो MHC रो काम कोन दे पले एक्चुअली ए प्रोटीन ये गोटे प्रोटीन डा कोठी थाए एंटीजेनिक प्रेजेंटिंग सेल रे थाए ओके ए माने एक्वायर्ड इम्यूनिटी पई दरकार पडती ओके सो इट इज एसेंशियल फॉर लिम्फोसाइट रिकॉग्निशन एंड एंटीजन प्रेजेंटेस देखि परछो हम ये पढ़ुचे एंटीजन प्रेजेंटेशन कथा सो एंटीजन प्रेजेंटेशन विषय कहू तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल विषय पढ़ुचे आम से जो मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स अच्छी आम ये लिम्फोसाइट रिकॉग्निशन पढ़ा आम सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी पढ़ा सो ए स्किप करवा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल विषय कहूँ सो एंटीजन प्रेजेंटेशन विषय एमएचसी मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स गोटे प्रोटीन डा आमर क्रोमोजोम रे थाए सिक्स्थ पेयर ऑफ क्रोमोजोम रे थाए आउ तमे जानिछो समस्त क्रोमोजोम सब सेल रे थाए सो सेल रो सिक्स्थ पेयर ऑफ क्रोमोजोम रे कोन थाए
गोटे प्रोटीन थाए जहाँ को मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स कहू जे कौन करे एंटीजन को प्रेजेंट कराए एंटीजन को शो ऑफ कराए हमर इम्यून सिस्टम को हेल्प कराए ओके सो ऑलमोस्ट ऑल सेल्स इन द बॉडी एक्सप्रेस ए प्रोटीन कॉल्ड मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन आम बॉडी रे जत्ते गुडाए सेल अछि सब सेल रो क्रोमोसोम थाए क्रोमोसोम हमर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर तो सेथरो 6th पेयर ऑफ क्रोमोसोम रे गोटे प्रोटीन थाए जहाँ को आम मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स नेक्स्ट स्लाइड को प्रोसीड करूछि सो देर आर टू टाइप्स ऑफ मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स आर देयर दीज आर MHC क्लास 1 एंड MHC क्लास 2 यू कैन सी हियर MHC क्लास 1 एंड MHC क्लास 2 ओके मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्लास 1 मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्लास 2 आम जो विषय डिस्कस कर MHC क्लास 2 विषय बिकज मु तुमको फर्स्ट स्लाइड रे देखेली देखो ए डायग्राम रे आम देखिले ए थर्ड पॉइंट देखो थर्ड पॉइंट देखा दउछि ए क्लास 2 MHC बुझि पड़छ MHC क्लास 2 विषय आम डिस्कस कर क्लास 1 को आम स्किप करबा एते गुडा तुमको दरकार नै जस्ट बुझिबा पई मु तुमको मेंशन करै छी कि MHC विषय रे सो तुम खाली MHC विषय रे एति कि मन रखिबो जे MHC मीन्स होची मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स ये आमर सब सेल रे थाए सेल रो को पार्ट रे थाए 6th पेयर ऑफ क्रोमोसोम रे थाए एमानकर काम कोनो एंटीजन को प्रेजेंट करैबा शो ऑफ करैबा इम्यून सिस्टम को हेल्प करैबा ओके सो MHC क्लास 1 इज प्रेजेंट where it is present in the killer T cell okay it is the function of killer T cell to bind to the antigen presented in this way when a match is found killer T cell destroy infected cells by producing cytolysin mu e bisore pile samasta man ko MHC class 1 ame padhiba cell mediated immunity so mu itya ko skip karu chi ame just MHC 2 ad ko diba okay so MHC class 2 bisore ame discuss karu chile MHC class 2 आमर सब सेल रे थाए टीका अगर हम डिस्कस करले सो दिस इंक्लूड्स मैक्रोफेजेस बी सेल एंड डेंड्राइटिक सेल आमर जो मैक्रोफेज सेल अछि बी सेल अछि डेंड्राइटिक सेल अछि हम जो पढ़िले एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल थ्री टाइप्स रो सेमानकर बॉडी रे कम थाए MHC क्लास 2 प्रोटीन थाए ओके सो टी सेल रो काम कोन टी सेल को दरकार एंटीजन को बाइंड करैबा ओके टी सेल एंटीजन को बाइंड हेले जाय कि इन्फॉर्मेशन इम्यून सिस्टम को पहुंचिबो आमर इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी तैयार करिवो से एंटीजन अगेंस्ट रे से एंटीजन विरुद्ध रे एंटीबॉडी तैयार करिवको पड़िवो ताकु मारिबा पई तो सेहिति पई हेल्पर टी सेल एंटीजेनिक फ्रैगमेंट को अटैच हेबाको पड़िवो आ हेल्पर टी सेल केतेबेले अटैच हे परिवो जेतेबेले एंटीजन छोटो छोटो खंड रे परिणत हेबो बा पेप्टाइड को कन्वर्ट हेबो ओके सो दिस इज योर एंटायर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ऑफ विजुअल तो समस्त मन दे कि सुनो सो द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एठी टिके अलग टाइप रो मु मेंशन करी छी मैक्रोफेज डेंड्राइटिक सेल एंड फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल ओके डेंड्राइटिक सेल फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल गोटाई डेंड्राइटिक सेल रो टाइप होची फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल मु एठी बी लिम्फोसाइट मेंशन करी ओके सो दिस इज योर यू कैन सी द पिंक कलर्ड सेल इज योर मैक्रोफेजेस और यू कैन सी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल देखी परु छो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एंटीजन गोटे सिंबल अच्छे मुझे मार्किंग बिकज एटा वीडियो विजुअल तुम मन देखी शुण एंटीजन लिखाई देखी पार ब्लू कलर एंटीजन को एंगल कला ओके एंटीजन को पुणे पचुक टे तो देख ये बुझे फास्ट एंटीजन को एंगल्फ करागला किए एंगल्फ कला एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एंगल्फ कला तो सेकेंड रे देख देखी पार्थिव देखुची जब ना ये मार्किंग ओके तो एंगल्फ कला फागोजोम फॉर्मेशन हला ओके फागोजोम फॉर्मेशन हला छोट छोट खंड हो जाए देखी पार कि सेंटर पार्ट रे जो छोट टैबलेट भली एंटीजन को एंगल्फ करा छोट छोट खंड रे कन्वर्ट कर ओके से गुडा कौन कह एंटीजेनिक फ्रैगमेंट तापर से गोटे रेड कलर देखी पार सेल भितर दुईटी रेड कलर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स अच्छी से गोटे MHC मेजर हिस्टोकंपैटिबिल कॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स गोटे एंटीजेनिक फ्रैगमेंट को अटैच हो देखी पार समस्त को देखा जा
तापर से बाहर को प्रेजेंट करैछि हेल्पर टी सेल देखि परछो बाहर गोटे सेल अछि वाई सेल पर बहुत गुडा एंटीबॉडी को नेकि अछि देखि परछो तो एमएचसी रो काम होउछि सेहा नेक्स्ट पे पूरा विजुअल देखो सो एंगल्फ करि सेलला तापर छोट छोट कन्वर्ट छोट छोट पेप्टाइड को कन्वर्ट करि सेलला देन मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स तक अटैच हेतला एड देखो मैक्रोफेजेस कथा मु कहतली ब्लड वेसल भीतर मैक्रोफेजेस कोडा को छि समान के हम मोनोसाइट कहबा ओके ब्लड से ब्लड वेसल भीतर जदि थिबो मोनोसाइट ब्लड बाहर को जदि बाहरिबो त कोन कहबा ब्लड बाहर ब्लड वेसल बाहर को बाहरिले त कहबा मैक्रोफेजेस ओके तो मोनोसाइट जतबेला ब्लड वेसल ते भीतर थिबो जतले बाहर को बाहरिबो त हम कहबा मैक्रोफेजेस क्लियर तो मैक्रोफेजेस रो काम कोन मैक्रोफेजेस को एंटीजेनिक प्रेजेंटिंग सेल ता बॉडी भीतर कोन थाए मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स थाए तो जतबेले मैक्रोफेजेस फागोसाइटोसिस प्रोसेस रे कोन करिवो एंटीजन को एंगल्फ करिवो लाइसोजाइम एंजाइम द्वारा ताको छोट छोट पेप्टाइड को कन्वर्ट करिवो पेप्टाइड को कन्वर्ट कला परे मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स कोन करिवो रे से सेल को बा से एंटीजेनिक फ्रैगमेंट को अटैच हबो देखो हिड मु मेंशन करली बी सेल बी सेल परे प्लाज्मा सेल देखि पड़छ हेल्पर टी सेल पाक इनफॉरमेशन आसला परे हेल्पर टी सेल कोन कला बी सेल को स्टिमुलेट कला तुम जानिछ बी सेल रे प्लाज्मा सेल थाए एंड प्लाज्मा सेल्स आर द एंटीबॉडी फैक्ट्री ऑफ द आवर बॉडी एंटीबॉडी फैक्ट्री का कह जाए प्लाज्मा सेल को कह जाए तो हेल्पर टी सेल अटैच हेबा बहुत जरूरी ओके जतबेले हेल्पर टी सेल देखै टी मु पॉज करू छी तो जतबेले हेल्पर टी सेल मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स को अटैच हला से इनफॉरमेशन बी सेल पाक को पहुंचेबो समस्त मन रखो बी सेल पाक को पहुंचेबो बी सेल रे कोन थाए प्लाज्मा सेल्स थाए मनथिबो प्लाज्मा सेल मेमोरी बी सेल हमें पढ़ीतिले बी लिम्फोसाइट रो टाइप्स रे तो प्लाज्मा सेल रो काम कोन एंटीबॉडी प्रोड्यूस करिबा सो बी सेल प्लाज्मा सेल को स्टिमुलेट करेबो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे पे ओ एंटीबॉडी प्रोड्यूस हला परे से एंटीबॉडी कोडा को कोठी केटा छेबे एंटीजन को जाई केटा छेबे ओ एंटीजन को जाई केटा छला परे बे इजीली फागोसाइटिक सेल कोडा को एंगल्फ करबे ओके हम नेक्स्ट स्लाइड को जीवा एंटीबॉडी पढ़िवा ओके सो द नेक्स्ट टॉपिक इज योर एंटीबॉडी अच्छा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल रे कार किछ जदी डाउट अछि देन यू कैन आस्क एनी डाउट्स नो डाउट्स सुनि पड़छ त मते यस सर यस सर के तो रेस्पोंस करो एते साइलेंट हे गेले मु बाबू जी डिस्कनेक्ट हे गेलो ना कोन तो वॉइस सुभिला ने मते कोन कहलो माकर वॉइस टी वॉइस अरे तोर वॉइस क्लैरिटी आसुनी तो नेटवर्क इशू रहउची बथे तो बथे मैक्रोफेजेस बिषय पचारु जहा मते टिके सुभा गला मैक्रोफेजेस गोडा कोन की हां हमरो जो लिकोसाइट हमें पढ़िले व्हाइट ब्लड कॉर्पसल सेतरो गोटे टाइप होची मोनोसाइट्स तो मोनोसाइट जतबेले ब्लड वेसल भितरे थाए सॉरी से सेल जतबेले ब्लड वेसल भितरे थाए ताको मोनोसाइट कहू मोनोसाइट जतबेले स्क्वीज आउट हे कि बाहर को आसीबो सपोज तोर स्किन रे इन्फेक्शन हला तो ब्लड वेसल रो मैक्रोफेज जिबा को पड़िबो ना स्किन एरिया को तो से मोनोसाइट जतबेले ब्लड वेसल छाडी कि बाहर को आसे ताको हमें मैक्रोफेज को ओके तो मैक्रोफेज रे मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स थाए से एंगल्फ कला परे ताको छोट छोट कन्वर्ट हबो तापर एमएचसी को अटैच हबो एमएचसी को अटैच हला परे तार सरफेस एरिया को बाहरिबो सरफेस एरिया को बाहरिला परे हेल्पर टी सेल आसी के अटैच हबो हेल्पर टी सेल आसी के अटैच हला परे हेल्पर टी सेल रो बुझी पडथो त माने हेल्प करथबो तो से कोन करिवो इन्फॉर्मेशन बी सेल पाको को पहुचेबो बी सेल कोन करिवो प्लाज्मा सेल को स्टिमुलेट करइबो कोथि पई एंटीबॉडी प्रोडक्शन पई ओ एंटीबॉडी प्रोडक्शन हला परे से एंटीबॉडी जाई कि से फॉरेन पैथोजन जते सब आसीथिबो समस्त को अटैच हेबे और समस्त को डिस्ट्रॉय सब पढ़ी एंटीबॉडी हमें एंटीजन कंप्लीट कले एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कंप्लीट कले एंटीजन बॉडी भीतर को एंटर हला परे एंटीजन केमिति प्रेजेंट करा जाय शो ऑफ केमिति करा जाय हेल्पर टी सेल हेल्पर टी सेल पाक को केमिति इन्फॉर्मेशन पहुंचे से विषय भी डिस्कस कले एबे देखिबा एंटीबॉडी कोन एंटीबॉडी रो स्ट्रक्चर कोन ओके सो एक्चुअली And you know that plasma cells are the what antibody factory of our body. And today we will discuss about the structure of antibody and its function also we will discuss. So antibody
are soluble glycoproteins belonging to the class gamma globulin. Gamma globulin. So the antibody goda kon re antibody bi gota protein. But special type of protein. देखो सॉल्युबल ग्लाइकोप्रोटीन्स ग्लाइकोप्रोटीन्स का कह जाए प्रोटीन रे जते बेले कार्बन कार्बोहाइड्रेट अटैच हे किथिबो हम ताको ग्लाइकोप्रोटीन को समस्त जानि छ प्रोटीन्स आर मेड अप बाय अमीनो एसिड्स तो अमीनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड थाए आ सेठी जदी हमर कार्बोहाइड्रेट गोटे अटैच हे किथिबो हम ताको कहिबा ग्लाइकोप्रोटीन्स ओके तो एंटीबॉडीज गोडा कोन गोडा करे सॉल्युबल ग्लाइकोप्रोटीन गोडा को स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन जाको हम गामा ग्लोबुलिन अंडर रे कंसीडर कर ओके गामा ग्लोबुलिन्स आर द एंटीबॉडीज गामा ग्लोबुलिन रे कोन थाए सॉल्युबल ग्लाइकोप्रोटीन्स थाए सो दे आर प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी बाय बी लिम्फोसाइट्स इन द रिस्पोंस टू एंटीजेनिक स्टिमुलेशन हम ठीक आगर डिस्कस करथले एंटीजन को प्रेजेंट करला किए एंटीजेनिक प्रेजेंटिंग सेल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एंटीजन को प्रेजेंट करेला तापर हेल्पर टी सेल ताको जे केटा छला हला परे कोन हेबो एंटीजेनिक स्टिमुलेशन क्रिएट हो देखो एंटीजेनिक स्टिमुलेशन क्रिएट हो एंटीजेनिक स्टिमुलेशन क्रिएट हला परे बी लिम्फोसाइट कोन करिवो बहुत गुडा एंटीबॉडी तयारी करिवो ओके एंड बी लिम्फोसाइट रो स्पेशली प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करिथाय दीज आर इंपोर्टेंट फैक्टर ऑफ इम्यून सिस्टम एंड आल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन मन रखो समस्ते एंटीबॉडी को आउ कोन कह जाय इम्यूनोग्लोबुलिन देखो इट मेंशन करिछि बा आईजी शॉर्ट फॉर्म में कोन लिखा जाय कैपिटल आई स्मॉल जी दीज आर इंपोर्टेंट फैक्टर ऑफ इम्यून सिस्टम हमर इम्यून सिस्टम रो मेन हमर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो वर्कआउट करे तकम एंटीबॉडी कहू छु एंटीबॉडी गोटे इंपोर्टेंट फैक्टर जते बेले फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस फेल हि जिवे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करि परिबे नाही देन हमर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस अछि एंटीबॉडी एंटीबॉडी प्रोडक्शन हुए एंटीबॉडी प्रोडक्शन हला पर एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर दिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर दिए सो एंटीबॉडीज आर द इंपोर्टेंट फैक्टर्स इन आवर इम्यून सिस्टम एंड दे आर आल्सो नोन एज व्हाट इम्यूनोग्लोबुलिन्स और आईजी क्लियर समस्त को बुझा पड़ला मन रख इम्यूनोग्लोबुलिन्स नेक्स्ट दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट एंटीबॉडी यू कैन सी हियर द वाई शेप्ड एंटीबॉडी इज प्रेजेंट So each immunoglobulin molecule consists of four polypeptide chains. हमें टिका करो डिस्कस करो चले जब प्रोटीन गड़ा को अमीनो एसिड को नहीं कितिया री और अमीनो एसिड गड़ा को लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन गड़ा को ओके तो हमारे जो एंटीबॉडी हमें पढ़ी हुआ भी डिस्कस करी बा एंटीबॉडी चारोटी पॉलीपेप्टाइड चेन को नहीं कितिया री ओके स्लाइड देखी पड़ो कि रे वाई साइड पर फीचर देखा पड़ो देखी पड़ो हाँ सर देखी पा रहूँ यस सर देखियो जाको देखा जाउ नी तार इशू थिबो ओके सो ईच इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ फोर पॉलीपेप्टाइड चेन यू कैन सी हियर दिस इज वन ये पूरा गोटे लंबा चेन आ गोटाए ओके एमेदी आउ दुईटा भी अछि ओके तो चारोटी पॉलीपेप्टाइड चेन अछि फोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर प्रेजेंट इन ईच एंटीबॉडी और ईच इम्यूनोग्लोबुलिन गोटे इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल बा गोटे एंटीबॉडी मॉलिक्यूल रे केतरा पॉलीपेप्टाइड चेन थाए केतरा थाए चारटी फोर हां टिके पार्टिसिपेट कर म मानदा भली काई रहउ छरे बुझा पडु नै किरे पढेले संगे संगे पार्टिसिपेट कर पचरला परे बहुत 5 मिनट नउ शुभुनि सर टिके समस्तन को शुभ जाउ नै किरे शुभ छै छोट छोट गुडा देखी पड़ चे लाइट चेन ओके ये छोट चेन अच्छी देखी पड़ चु छोट गोटे स्टिक भाई स्ट्रक्चर अच्छी लाइट चेन कह गए बड़ लंबा स्ट्रक्चर गोटे अच्छी जहाँ कौन कह heavy chain this is your heavy chain okay so two light chains and two heavy chains are present in each immunoglobulin molecule okay heavy chain light chain kahin ko agala because molecular weight of the long chain is high than the molecular weight of the small chain okay jo choto stick dekhi parcho tar molecular weight tharo bada chain ro molecular weight adhika tenu taku heavy chain ko agala आ गोटे को कौन कहगला लाइट चेन कहगला
अच्छा हैवी चेन को आउ कोन को हस जाय कापा कोन को हस के लिखि पड़ सो के बा कापा ओके एंड लाइट चेन को कोन को हस जाय लामडा चेन कापा चेन एंड लामडा चेन और यू कैन से सिंपली लॉन्ग लाइट चेन एंड हैवी चेन भी कहि परबो ओके तो हैवी चेन्स को एच चेन भी कहा जाए लाइट चेन को एल चेन भी कहा जाए मन रख समस्ते गोटे इम्युनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल रे वेरी इंपोर्टेंट एंटीबॉडी बहुत टाइम्स आसी एग्जाम रे सो मन देखि सुनो तो गोटे एंटीबॉडी बा गोटे इम्युनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल रे चारोटी पॉलीपेप्टाइड चेन थाए दुईटा हैवी चेन और दुईटा लाइट चेन और हैवी चेन को कापा चेन कहा जाए लाइट चेन को लामडा चेन कहा जाए ओके तो जो हैवी चेन एंड लामडा चेन सॉरी हैवी चेन एंड लाइट चेन are united with each other with the help of disulfide bond dekhi paruchu mu next diagram re dekhebi tumaku disulfide bond kon eita dui ta chain dekhi paruchu light chain and heavy chain light chain ko au heavy chain ko attach karibare attach karike rakhibare ki help kare disulfide bond help kare that means the light chains and heavy chains are bind with each other with the help of what disulfide bond ss it mention bhi karichu disulfide bond You can see. So disulfide bond द्वारा जो polypeptide chain हमें पढ़ी ले चारोटी polypeptide chain थाए immunoglobulin molecule रे बा antibody रे से चारोटी polypeptide chain गोटे सहित आउ गोटे केमिकल अटैच हो छंती with the help of disulfide bond. So I am changing the slide. So the next slide is देखो एटी antibody रे mention मु करी छी This is your Fab region. Fab region कौन? Antigen binding region. Okay. Antigen binding region. समस्त मनोरेला समस्त करो immunoglobulin chains थाए. Immunoglobulin रे कौन थाए रे? चारोटी polypeptide chain थाए. समान करो दो इटी heavy chain और दो इटी light chain. Okay. Heavy chain and light chain. तो ये जो Fab region देखी पर उच्चा फैब रीजन कौन जोठी एंटीजन बाइंड हबो जोठी एंटीजन बाइंड हबो जतबे हेल्पर टी सेल प्रेजेंट करैला काहाकू हेल्पर टी सेल काहाकू प्रेजेंट करला एंटीजन को आनी की इन्फॉर्मेशन पहुंचेला नै की बी लिम्फोसाइट को तापर बी लिम्फोसाइट कोन करिवो एंटीबॉडी प्रोडक्शन करला और से एंटीबॉडी रो काम कोन एंटीजन को जई अटैच हेबे और ताकू किल करिवो तो जो रीजन रे एंटीजन अटैच हेबो एंटीबॉडी रो सेई पार्ट को हम कोन कहबा फैब रीजन बा फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग रीजन fragment antigen binding region you can see the shape of the polypeptide chains are arranged in a y shaped molecule so this is your y shaped molecule or y shaped molecule antibody okay so antibody ro jodi shape exam re pochare kon likhibo re y shaped okay and y shaped antibody re jo dui ti identical fragment dekhi paruchu tame identical fragment kon re देखी पार ये सहित आईडेटिकाल ये दुईटी ब्लू कलर अच्छी दुईटी ब्लू कलर अच्छी राउंड अप कली से गोटे से दुईटा आईडेटिकाल तार ऊपर आ गए लंबा चेन जो लॉन्ग चेन अच्छी तार भी ऊपर दुईटा कौन अच्छी रेड कलर अच्छी ये देखो छोटो ये या सहित आईडेटिकाल ओके सो जो टू आईडेटिकाल फ्रेगमेंट्स ऑफ वाई शेप्ड मॉलिक्यूल पोजेसेस द एंटीजन बाइंडिंग साइट से दुईटी जो आईडेटिकाल वाई शेप्ड चेन अच्छी मलिक्यूल अच्छी से कौन था एंटीजन बाइंडिंग साइट था माने जो रीजन को आसिक कौन हे एंटीजन अटैच हे से पार्ट को आम कौन कहू फैब एफ ए बी फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग फ्रैगमेंट माने से चेन को पार्ट को फ्रैगमेंट कहू और से पार्ट आसिक कौन हुए एंटीजन बाइंड हुए तेनाली कौन कहगला फैब कहगला एफ ए बी फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग एंड द टेल रीजन ऑफ द एंटीबॉडी यू कैन सी हियर दिस इज द टेल रीजन and tail region of the antibody lacks the ability to bind with the antigen okay chain region antigen ko bind hebo nahi only tip region re jo dui ti identical fragment achi blue color dekhi parthubo long chain ro sorry heavy chain ro and sorry blue color light chain ro achi and red color jo heavy chain ko dui ti identical fragment achi sei pakhare hi asi ki antigen binding hei thai tail region re antigen binding hei paribo nahi तेणु टेल रीजन को कौन कहगला फ्रैगमेंट क्रिस्टलाइजेबल और यू कैन से सिंपली क्रिस्टलाइजेबल फ्रैगमेंट
FC. Okay, so there are two regions. One is FAB and another one is FC. FAB कौन? जो दो इटे identical Y shape जो तू upper arm अच्छी, सही region रे antigen ऐसी की binding है. और सही part को कौन कहा गला? FAB fragment antigen binding. And the tail part of the Y shape antibody does not bind with the antigen, and that part is called as fragment crystallizable or crystallizable fragment. Clear? समस्तों को बुझा पड़ेगा? First time immunoglobulin का structure देख ले, Y shape structure. सेत्रे चारोटी polypeptide chain थाए, दुईटी heavy chain and दुईटी light chain. Okay? Heavy chain and light chain both रे जो upper part of the arm अच्छी, Y shape arm अच्छी, सही region रे antigen ऐसे की binding ही थाए. That means देखो ये दुईटी antigen binding site अच्छी. इरेज करके पुनी राउंड अप करछ देखो एठी गोटे एंटीजन आसी के बाइंडिंग हे परबो एठी गोटे एंटीजन आसी के बाइंडिंग हे परबो इट सिंपली मेंशन भी करछ मु देखो एंटीजन बाइंडिंग साइट देखि परछ दिस इज योर एंटीजन बाइंडिंग साइट तो सेठी के आसी के एंटीजन अटैच हेबो तो सेही रीजन का हम कोन कहो एफ ए बी और फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग एंड द टेल रीजन एठी कोनोसी एंटीजन आसी के अटैच हेबो नाही एही पार्ट का हम कहो फ्रैगमेंट क्रिस्टलाइजेबल ओके नेक्स्ट स्लाइड को हम जीबा सो हमर जो देखले हम लॉन्ग चेन एंड हेवी चेन बा लाइट चेन एंड हेवी चेन लाइट चेन एंड हेवी चेन रो किसी वेरिएबल रीजन थाए आ किसी कांस्टेंट रीजन थाए कोन कहबे हम संभल से सुनो पॉलीपेप्टाइड चेन गोडा को माने कोन रे एमिनो एसिड सीक्वेंस गोडा को ओके गोडा प्रोटीन का द्वारा तैयारी एमिनो एसिड द्वारा तैयारी एमिनो एसिड रे कोन थाए बहुत गोडा पेप्टाइड्स थांती एड देखि परथो त माने राउंड अप करि छि वेरिएबल रीजन देखि परछो वेरिएबल रीजन दिस इज योर वेरिएबल रीजन एठी कोन हेबो जेतु स्पेसिफिक एंटीबॉडी बाइंड्स विथ स्पेसिफिक एंटीजन मु कहितिले अगरु भी जे मलेरिया पई जो एंटीबॉडी तयार हिती बता से मलेरिया को क्योर करि परबोनी जो निमोनिया पई जो हम एंटीबॉडी तयार होची बॉडी रे से कॉमन कोल्ड को क्योर करि परबोनी सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजन्स आर देयर एंड अकॉर्डिंग टू दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी ओके सो डिफरेंट टाइप्स केमि देला एठी जो राउंड अप मु करी छी सेठी तार सीक्वेंस चेंज हो जाए एमिनो एसिड सीक्वेंस चेंज हो जाए जेहेतु सेठी एमिनो एसिड सीक्वेंस चेंज हो जाए सेम रही न थाए तनु सेही रीजन को हम कोन कहू वेरिएबल रीजन कोन कहबा रे वेरिएबल रीजन द टिप ऑफ द आर्म्स आर हाईली वेरिएबल इन सीक्वेंस एंड आर कॉल्ड वेरिएबल रीजन देखि परछो जो वाई शेप आर्म अछि टिप ऑफ द आर्म माने अपर आर्म गुडा को जो टिप पार्ट आधा पार्ट देखि परछो एही रीजन पुणी थोड़ा राउंड अप करुछि बा ऑलरेडी राउंड अप करि सारी छि डायग्राम रे तो जो येलो कलर राउंड देखि परुछो से रीजन एमिनो एसिड सीक्वेंस गडा को कांस्टेंट न थाए चेंज हबो ओके तण तक कोन कह गला वेरिएबल रीजन क्लियर वेरिएबल रीजन कोन रे वाई शेप रो एंटीबॉडी रो अपर आर्म रो अपर पार्ट रे एमिनो एसिड सीक्वेंस गडा को बा सीक्वेंस इक्वल न थाए सो जेहेतु सीक्वेंस वेरिएबल हुए से रीजन को हम कोन कहू वेरिएबल region and you can see on the other part that is your constant region the large circle pink color circle or red color circle dekhi parthubo mane other than variable region ko chhadi dela pare jo green color blue color marking kara jai chhi sei region ka ame kon kahu constant region kahe ki constant region kahu because antibody ro sei region re amino acid sequence kebe bhi change hue na okay जदि एमिनो एसिड सीक्वेंस चेंज हलानी बा पॉलीपेप्टाइड गोटा कर अरेंजमेंट चेंज हलानी देन हम तो कोन कहबा कांस्टेंट रीजन कहबा ओके तो एबे पर्यंत हम तीनोटी पार्ट पढिले एंटीबॉडी रो फर्स्ट हेवी चेन लाइट चेन तापर हम पढिले कोन एफएबी एंड एफसी एंड एबे कोन पढिले वेरिएबल रीजन एंड कांस्टेंट रीजन समस्तन को बुझा पडुची वेरिएबल रीजन कोन कांस्टेंट रीजन कोन बॉटम पार्ट बा टेल रीजन रो कंसीक्वेंस केबे चेंज हबनी तण हम त कांस्टेंट रीजन कह गला आ हेवी चेन एंड लाइट चेन बोथ रो टिप रीजन रे सीक्वेंस गडा को चेंज हुए ओके जेहेतु अरेंजमेंट चेंज हुए तण वेरिएबल हला चेंज हला तण त कोन कहबा वेरिएबल रीजन ऑफ द एंटीबॉडी नेक्स्ट टाइम प्रोसीड करबा सो दिस इज योर एंटीबॉडी एंड यू कैन सी हियर द एंटीजन बाइंडिंग साइट दिस इज योर एंटीजन बाइंडिंग साइट ओके देखी पर छो लॉक एंड की एठे हम कम पड़ी बारे लॉक एंड की मेकैनिज्म जेमि हम टिक आगे डिस्कस करथिले द स्पेसिफिक एंटीबॉडी स्पेसिफिक एंटीजन को ही अटैच हो पारे जेमि तुम गोटे चाबी काठी नबो
अलगा अलगा चाबी काठी नेबो गोटे ताला खोली परिबो किरे जो ताला पई सेही चाबी काठी दरकार पड़िबो सेही ताला खोलिया पई तो सिमिलरली एटी भी लॉक एंड की मेकानिजम ही हुए लॉक एंड की मेकानिजम मींस व्हाट स्पेसिफिक लॉक पई स्पेसिफिक ताला पई स्पेसिफिक चाबी काठी दरकार पड़िबो खोलिया पई सिमिलरली स्पेसिफिक एंटीबॉडी सह स्पेसिफिक एंटीजन ही है कि आसिक अटैच हो परिबो मु सेहि पई कहथले जे मलेरिया पई जो एंटीबॉडी डेवलप होबो से फाइलेरिया को किल करि परिबो नहीं बिकॉज एंटीजन बाइंडिंग साइट बा जहा को हमें कोन कहु पैराटोप कहु हमें एंटीजन रे पढिले मन पकाओ एपिटोप एपिटोप आसी कि कोठे अटैच होबो पैराटोप को आसी कि अटैच होबो पैराटोप मन रे को एंटी बॉडी रे जो पार्ट थाई एई पार्ट मु जो राइट सर्कल करी छे सेही पार्ट को आसी कि एंटीजन बाइंडिंग हेता है आ सेही रीजन को पैराटोप कह जाय ओके पैराटोप एंटीबॉडी रे थाई एपिटोप एंटीजन रे थाई एपिटोप और पैराटोप अटैच होन मन रखो ओके एडी भी मेंशन करी छु मु एपिटोप को देखो दिस इज योर एपिटोप एंटीजन रो जो ग्रीन कलर एंटीजन देखी परु छो एंटीजन रो ऊपर कोन अछि एपिटोप अछि से एपिटोप कोठि के आसी कि फिक्स होबो एंटीबॉडी रो पैराटोप को आसी कि फिक्स होबो दिस इज योर पैराटोप इज इट क्लियर शुभ जाउ छी Am I audible to all of you? Yes, sir. You can see the diagram? Yes, sir. Yes. So, see, so, epitope dekhi parucho. Epitope aski kothi attach hobo, paratope ko aski attach hobo. Silent rahare, tu jodi kichi problem hoche, mate personal call kale bujhibi, hala? Tor network issue hoche. To paratope and epitope, kono? Paratope kothi thai? एंटीबॉडी रे थाए समस्त मन को वन मार्क क्वेश्चन आसे पैराटोप इज प्रेजेंट इन द एंटीबॉडी एंड एपिटोप इज प्रेजेंट इन द एंटीजन ओके तो एपिटोप को आसी कि पैराटोप अटैच हुए एटा हम सिंपली पढ़ दबा ईच ऑफ द अपवर्डली डायरेक्टेड टिप्स ऑफ वाई ऑफ एंटीबॉडी कंटेन्स ए पैराटोप एंटीबॉडी रो अपवर्ड रीजन रे एठी गोटे पैराटोप रहिबो एंड एठी गोटे पैराटोप सो दुई गोटे एंटीबॉडी दुईटा एंटीजन को जाई के अटैच हेई परि ओके गोटे एंटीबॉडी दुईटा एंटीजन को जाई कि अटैच हे परिबो सो पैराटोप कोठी थाए एंटीबॉडी रो अपवर्डली डायरेक्टेड टिप्स ऑफ वाई वाई सेपर जो एंटीबॉडी अछि अपवर्ड डायरेक्टेड माने एई पार्ट रे कोन थाए पैराटोप थाए ओके दिस इज एठी गोटे पैराटोप थाए एठी गोटे पैराटोप थाए सो दैट इज स्पेसिफिक फॉर वन पर्टिकुलर एपिटोप जिते अगर हम डिस्कस करथले लॉक एंड की मेकानिजम कथा स्पेसिफिक चाबी काठी गोटे चाबी काठी आनिबा आ गोटे ताला खोली परिबा कि रापि खोली परिबानी सिमिलरली गोटे एंटीबॉडी आ गोटे एंटीजन को किल करि परिबो नाही गोटे एंटीबॉडी आ गोटे अलग टाइप रो एंटीजन को अटैच हे परिबो नाही बिकॉज़ से मानकर पैराटोप आ एपिटोप रीजन रो पैटर्न अलग थाए सेडी से माने फिक्स हे परिबेनी सो ओके पैराटोप एंटीबॉडी रे थाए एपिटोप एंटीजन रे थाए ओके पैराटोप को आसी कि एंटीजन बाइंड हे थाए एंड एपिटोप एंटीजन रे थाए जोठी एंटीबॉडी अटैच हे थाए एडी मु क्लियरली मेंशन भी करछि नेक्स्ट टाइम प्रोसीड करबा सो दैट द टॉप टू टिप्स ऑफ द वाई शेप्ड मॉलिक्यूल बाइंड टू द स्पेसिफिक एंटीजेंस बिटवीन हेवी चेन एंड लाइट चेन इन ए लॉक एंड की फैशन हमें लॉक एंड की मेकानिजम कथा डिस्कस करथले तो वाई शेप मॉलिक्यूल रो टॉप रीजन रे ऊपर पार्ट रे जो वाई शेप्ड आर्म अछि दुईटा हेवी चेन एंड दुईटा लाइट राइट चेन अछि से रीजन रे पैराटोप थाए दुईटा पैराटोप थाए से पैराटोप को आसी कि एपिटोप अटैच होबो ताको हम कहिबा लॉक एंड की फैशन और लॉक एंड की मैनर रे से माने अटैच जहा द्वारा कोन होबो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होबो कोन होबो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ओके तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स केते बेले कहिबा जते बेले गोटे एंटीबॉडी रो पैराटोप को एंटीजन रो एपिटोप आसी कि अटैच हि जइबो से मॉलिक्यूल को हमें कौन कहबा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स क्लियर सो ईच एंटीजन हैज मेनी डिफरेंट एंटीजेनिक डिटरमिनेंट्स हमें लास्ट क्लास पढ़ी एंटीजेनिक डिटरमिनेंट्स विषय में लास्ट क्लास रे कहितली फॉरेन एलिमेंट बा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पूरा टोटल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम एंटीजन कहबानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रो सरफेस रे किसी प्रोटीन थांती जाको हम एंटीजन कहबा और एंटीजन डिटरमिनेंट्स कहबा तो एंटीजन डिटरमिनेंट्स रो किसी पार्ट रे एपिटोप थाए से एपिटोप आसिक एंटीबॉडी रो पैराटोप को अटैच होंती ओके सो दिस इज योर एंटीबॉडी एंड
next class we will discuss about the types of antibody. Okay, there are five types of antibody: immunoglobulin alpha, immunoglobulin delta, immunoglobulin epsilon, immunoglobulin gamma. विषय पढ़ा नेक्स्ट क्लास रे डिस्कस करिबा टोटल एंटायरली डिस्कस करिबा भलो से सो आज रो किछि का यदि कहर किछि डाउट अछि देन यू कैन आस्क किछि डाउट अछि कि रे